हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा पौधा है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये आप देख रहे होंगे, ये पौधा इसको कहते हैं बासमती लीप्स प्लांट, और कई लोग इसको पेंडन लीप्स प्लांट कहते हैं। और इन रूरल एरियाज लोग इसको अन्नपूर्णा लीप्स कहते हैं। ये दरअसल इसकी जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है इसके लिए लोग इसको जानते हैं। ये आमतौर पे हमारे जो खान पान की चीज़ें होते हैं इसमें ये इसके जो पत्ते होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ये असल में काफ़ी स्वीट स्मेलिंग होता है एंड अट्रैक्टिव एरोमा के लिए ये जाना जाता है, इसलिए ये एशियन कुकिंग में एक जगह अपना बना लिया है। ये पौधा जो है ये इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी है, और नेचुरल एयर फ्रेशनर भी है। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और इसको आप लो रखना चाहते हैं तो इसके जो पत्ते हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये डैंड्रफ और हेयर लॉस को भी रोकता है, साथ साथ अगर आपके नर्व्स वीक हैं तो इसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। अगर आपको रूमेटिज़म है और आपको भूख नहीं लगती, इसमें इसके पत्ते जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ साथ अगर छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है तो ये पत्ता जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये हेल्प करता है आपके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो पौधा है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये आमतौर पे एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। आप अगर इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी नर्सरी से अगर आप जाएं तो ये आपको अवेलेबल हो सकता है। लगाने की भी इसमें कोई ज़्यादा तौर तरीका अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली इसको लगा दीजिए और बीच बीच में थोड़ा पानी दीजिए, लेकिन पानी ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पेड़ को अपने आंगन में लगाएं। ये जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको गमले में लगाया हुआ हूँ, और इसका जो खाने का जो तरीका है ये आप जैसे चावल बनाते हैं, चावल में इसमें दो तीन पत्ते डाल दीजिए। अब उसमें जब आप निकालेंगे तब इसकी खुशबू आप देखिए, इसलिए इसको बासमती लीव्स प्लांट भी कहते हैं। इसका स्मेल, उसके एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है काफ़ी ज़ोरदार है। इस पत्ते को भी आप बॉइल्ड करके इसके पानी को पी सकते हैं। तो आप इसको उगाएं और इसका फ़ायदा ज़रूर लें। थैंक यू।